चारों ओर से आतंकवादी घिर जाते हैं, इंडियन आर्मी उसको बेटा कह के लाती, आ जा बेटा चल, और उसको घरे ले जाके पहुंचा देती, कहते बिगड़ गया था बेटा, तुमसे दुश्मनी नहीं है बेटा, तुम्हारे अब्बू जो बैठे हैं ना पाकिस्तान में, बाप बाप से लड़ता है। नहीं समझ आ गया? आज अगर सेना पीछे ले गया तो वहीं पे कब्जा होगा, समझ आ गया? बाहर में गया जनमत संग्रह, नो रिस्क ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशन, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, समझ आ गया कि नहीं आ गया? एवरीथिंग इज लीगल इन लव एंड वार। शांत हो जाता। अब पाकिस्तान वाला कहता है कश्मीर लेंगे, उनसे पूछ दीजिए तुम्हारा बांग्लादेश कहां गया, जो तो तुम्हारा था उसको तो तुमने संभाला ही नहीं, नहीं संभाल पाए, और जो तुम्हारा है नहीं वो तुमको चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि हम कश्मीर में, देखिए गलती भी हम लोग से हुई थी, जब यहां पर कब्जा किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने कितना परसेंट कब्जा कर लिया, 30, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कितना परसेंट है, 3, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कितना परसेंट है, 30% है, कितना परसेंट है, 30% है, इसका 3 हिस्सा है, कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, सबसे बाहरी हिस्सा को कहते हैं गिलगित, क्या कहते हैं, गिलगित, क्या कहेंगे, गिलगित, और इस साइड के हिस्सा को कहते हैं आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, तो गिलगित आजाद कश्मीर, इसको कहते हैं बाल्टिस्तान, गिलगित आजाद कश्मीर बाल्टिस्तान, तो POK का कितना हिस्सा, बोलिए ये ऊपर वाला गिलगित, ये वाला आजाद, आइए बाल्टिस्तान, क्या होता है बाल्टिस्तान। पाकिस्तान कश्मीरियों को क्या कहता है समझिए ध्यान से, आप ये सोचेंगे कि आखिर कश्मीरी पाकिस्तान का साथ क्यों देते हैं, तो समझिए माइंड गेम, कश्मीरी पाकिस्तान का साथ इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि POK हम रखेंगे नहीं, जैसे तुम बाकी वाला लाओगे हम ये तुमको दे देंगे, तुम अपना एगो देश बना लेना, समझ आ गया कि नहीं गया, वो लेके रख लेगा, समझ आ गया कि नहीं गया, इसे तो जरा अपने बाप के नहीं होते हैं सब, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता बाप किस कौन है इनका तो होगा कहां से यहां पे, अब वो क्या देंगे सब कश्मीर को, और ये हकीकत है, और वो लोग, उन लोगों ने अपने संविधान में संशोधन कर दिया और POK को पाकिस्तान का अभिन्न अंग घोषित कर दिया, अभिन्न अंग क्या कर दिया, घोषित कर दिया। अब ये भारत की कमजोरी है जो उसको नहीं बता पाई, वहां जो बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए, जो POK वालों को, कि देख बबुआ देखिए हर चीज होना चाहिए, साम दंड भेद सब होना चाहिए, आर्मी तो क्या करती है ठोकबे करती है, और बाकी आदमी को कहना चाहिए देख तुम्हारे दादा से ये पाकिस्तानियों ने वादा किया था कि हम POK तुमको दे देंगे, इन्होंने क्या कर दिया संशोधन करके हड़प लिया, तो ये क्या तुम्हारा साथ देंगे यहाँ पर, माइंड गेम भी क्या होना चाहिए चलते रहना चाहिए, हालांकि सेना माइंड गेम बहुत अच्छा चलती है, आतंकवादियों को पकड़ती है जो गोली खत्म हो जाता तो फिर से सरेंडर करा के वापस कर देती है, तब अगर आपकी जान जा रही थी और उस समय अगर कोई आपका साथ देता है ना, आप जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ते, ये हकीकत है, कितनों भी गलत रहेंगे अगर आपकी जान जा रही थी एक सेकंड के लिए, कोई आके बचा लिया ना, तो आप जीवन भर किसका साथ देंगे, उसी का, चारों ओर से आतंकवादी घिर जाते हैं, इंडियन आर्मी उसको बेटा कह के लाती, आ जा बेटा चल, और उसको घरे ले जाके पहुंचा देती, कहते बिगड़ गया था बेटा, तुमसे दुश्मनी नहीं है बेटा, तुम्हारे अब्बू जो बैठे हैं ना पाकिस्तान में, बाप बाप से लड़ता है। नहीं समझ आ गया बाप इनका कहां पर है, पाकिस्तान में, लड़ा जाएगा उन सबसे यहां पर, तो ये 3 हिस्सा हो गया, याद रहेगा तीनों, इधर वाला क्या है गिलगित, आजाद कश्मीर बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, ये मुद्दा जवाहरलाल नेहरू लेके कहां चले गए, UNO। अब कुछ लोग कहेंगे UNO में ले जाना गलत था, इसलिए कह सकते हैं कि आप UNO को बने हुए आज के समय में 75 साल हो गए, कितने साल हो गए 75, कौन 75 साल हो गए, UNO को बने हुए कब हो गए 75, 1945 में UNO बना था, तो 75 साल में आप किसी चीज को समझ सकते हैं, लेकिन अब आज से 75 साल बाद कोई हम लोग को कहेगा कैसा आदमी था सर, कोरोना से डर गया था, बकलोल था ये सब, जो आज के समय में देखो ना क्या था कोरोना, तो 75 साल बाद आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय UNO नया नया बना था, इंटरनेशनल कोर्ट था, नेहरू को लगा वकील थे हम तो जीतिए जाएंगे कोर्ट में, ले जाकर कहां केस ठोक दिए UNO, अब UNO का नियम बना दिया अलग टाइप का, कि कहीं भी जमीन पर विवाद होगा तो दोनों देश आपस में समझौता करेंगे, और ये कहेंगे कि वहां पर जनमत संग्रह होगा, क्या होगा जनमत, वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि कहां रहना चाहते हो, पाकिस्तान का एक नंबर यही होना ही चाहिए, अब भारत तो फंस गया, लेकिन वहां UNO ने कह दिया था कि जनमत संग्रह से पहले उस जगह को पहले खाली कराया जाएगा, तो POK को पहले क्या कराया जाएगा, किससे, पाकिस्तानियों से, तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी तब ना जनमत संग्रह होगा, तो भारत कहता है कि करा लो जनमत संग्रह,
लेकिन सेना पीछे हटाओ, कहता ना बहुत खचरा है ये, हटाएंगे तो कब्जिया लेगा, कहेगा भरिया ले अब, नहीं समझे। तो देखो जन, हम दोनों के लिए गले की हड्डी बनी है। अगर जनमत संग्रह हम करा लेते हैं तो दिक्कत है कि वो कहां भाग जाएगा सब पाकिस्तान। लेकिन अब हम लोग के लिए पलड़ा भारी है। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जम्मू कश्मीर में यहां से भी लोग जाके क्या लगेंगे, बसने लगेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 370 हटा है, अभी तो कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जितना बुढ़वा है सब मर खप के क्या होगा, खत्म होगा। तो भारत सरकार को भी कहना करना इन, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करके क्या करना चाहिए, जितना यहाँ के लोग हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा कहाँ नौकरी दिया जाए, बाहर बाहर नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी बाहर, ताकि वो बाहर के लोगों से जब घुले मिलेंगे तब उनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान वाले कितने कमीने हैं। और यहाँ के लोगों को, मतलब हम लोग में तो कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी की जान ले लेंगे। हम लोग यहाँ आज भी भाई किसी से दिक्कत है तो आप बात से समझ जाइए, जान मारने की नौबत आती है नहीं आती। तो इससे ये फायदा होगा कि वो लोग इनको समझेंगे। और यहाँ वैकेंसी निकालिए जबरदस्त रेलवे की, और बिहारियों को ले आके भर दीजिए, इक्वली तो पूरा भर जाएगा यहाँ पे, बाकी पूरे इंडिया से भर जाएगा लोग कहाँ पर, इंडिया। और 10-20 साल बाद यूपी बिहार वालों को जनसंख्या में तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। भाई उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या बाप रे बाप इतना भयानक है, बताइए 22 करोड़ जनसंख्या देश की होती, उत्तर प्रदेश की अकेले 12 करोड़ जनसंख्या बिहार की है, समझा गया कि नहीं। 24 करोड़ जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान की है और 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की, ना निपटा देगा लो। अब एनटी, अच्छा देखिए कह रहा है कि सर एनटीपीसी में हम सेंटर जम्मू कश्मीर डाले थे, ये अभी से तैयारी में है। तो धीरे धीरे ये भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, और जब धीरे धीरे भर जाएगा तो वहां पर भारतीय मूल के लोगों की अधिकता हो जाएगी, और जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो तर्क होने लगेगी। लोग जो कहते थे नहीं पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे, तो उसको समझाएंगे कि स्वतंत्र रहोगे तो कितना जीडीपी आएगा तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास समुंदर रह जाएगा, अफगानिस्तान की तरह हो जाओगे, पहाड़ पर सेब बोगे और कौन सी मिलेगा तुमको, क्या एकरे से गुजारा हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे लोग वो समझेंगे। अभी क्या है, एक तरफा बोला जाता है, जब भी एक तरफा बात होती है तो गलत डिसीजन हो जाता है, एक तरफा नहीं सुनना चाहिए। देखते हैं कभी भी एक तरफा डिसीजन हो जाए तो कैसे, एक तरफा बात सुनिएगा तो डिसीजन अच्छा हो पाएगा। पत्नी सबको देखिएगा ना, पति को खाना दे देगी सब और खाना खाते रहेगा, एक तरफा सुनाते रहेगी, देखिए ऐसा हो रहा है घर में, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तरीका है, हम बाहर से थोड़े आए हैं, ऐसा होगा तो गलत है, चल जाएंगे हम, गलत सुना आप बस सुनते हैं, कोने काम के हैं, ऐसा सुन सकते हैं, हमारा भाई रहता तो सुनता, ये है गलत, खाना खत्म करके कौन है। नहीं समझाएगा, एक तरफा सुन लिया, और महिला भी जानती है तो खनवा किया और इस टाइम बोलेगी यहाँ पर, तो आप लोग खाना जल्दी जल्दी खा लीजिए, सबके साथ ही खाइए गलत। नहीं समझ आ गया, आगे बढ़े। तो वो लोग किसकी बात सुनते हैं, एक तरफा, जब हम सब लोग मिले जुलेंगे तो सबकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। एक गेम भी होना चाहिए, जैसे आईपीएल होता है, एक गेम ऐसा होना चाहिए जो इसी उद्देश्य से रहे कि कश्मीर के लोग का भी क्या हो, मैच हो, कश्मीर के लोग का, कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पे कश्मीर राजस्थान से हो, कश्मीर भर से राजस्थान, तो आएगी यहाँ पे टीम, यहाँ की टीम वहां जाएगी, थोड़ा मेल मिलाप होगा, अचानक ये समस्या दूर नहीं हो सकती है, याद रखिएगा, ये समस्या अचानक उत्पन्न भी तो नहीं हुई है, नहीं जाना, धीरे धीरे, आज जब खत्म होगा पूरी तरह से तब हम ये भी कह सकते हैं कि अब जनमत संग्रह करा लो। आने वाले 20 से 30 साल में यहाँ जनमत संग्रह हो सकता है कि नहीं, आराम से हो सकता है, तब तुम करा लो, लेकिन कराने से पहले सेना को पीछे की, आज अगर सेना पीछे ले गया तो वहीं पर कब्जा होगा, समझा गया, बाहर में गया जनमत संग्रह, नो रिस्क ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशन, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, समझा गया कि नहीं आ गया, एवरीथिंग इज लीगल इन लव एंड वार। मतलब जंग, जब देश की बात आएगी तो क्या हो गया, सब चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता, सूर्यास्त के बाद भी महाभारत में हथियार चले थे कि नहीं, तो जब सत्य को जिताना हो तो कोई भी सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है, यही तो महाभारत का मुख्य सार था, वरना कर्ण में कमी क्या थी, बस यही कमी था कि दुर्योधन जैसे गलत का साथ दिया था, बाकी कर्ण जैसा भी कोई था कोई नहीं, लेकिन हाँ आप असत्य का साथ दिए, तो अगर जब पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी तो रेफरेंडम कराएगा आदमी, जनमत संग्रह, कोना को जनमत संग्रह कराना है, साइड ले आओ, यहाँ पे ले आके साइड पोखरन में रख के भड़का दो, सोचो जा।